Assalamu alaikum, I am Muhtar Ahmed with the Virtual University's course of Human Resource Management, and we are here today with our lecture number 43. And you know that we have already started our review session starting from lecture number 41, and today is the last lecture of our review part. So, let us start our today's session, and that is our lecture number 43. Two more lectures to go, and then we will be done with our human resource management course. So, as I said, that today is our lecture number 43. So, before we should start today's lecture, let us quickly go back and see what we have covered during our previous lecture, and that was lecture number 42. And remember, we started the review part. So, we started with this model, the HR functions, the five basic components. We have already completed the staffing part in lecture number 41 and human resource development in lecture number 42. So, last lecture was about human resource development. Then, what about today? Of course, the next remaining three parts we will try to finish today.

ताकि आपके लिए भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो द कॉम्पन्सेशन स्टार्ट विद जॉब अवेल्युएशन एनियो दिस वॉज द आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो उस वक्त हमने देखा था कि तीन आउटकम निकलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड द थर्ड वन वॉज जॉब अवेलुएशन दैट इज गेटिंग ंग दर्थ ऑफ दॉब प्राइसिंग द जॉब किस को कितना पे करना है किसकी क्या वर्थ होगी सो विच स्टार्ट विद्युएशन दैट इज प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग इंटरनल इक्विटी वेयर यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द सेम टाइप ऑफ जॉब शुड बी गेटिंग सेम टाइप ऑफ रिवार्ड ना सिर्फ इंटरनल इक्विटी बट एक्सटर्नल इक्विटी भी जब मार्केट से आप कंपेयर करते हो और अगेन दिस इज द व्यू पार्ट आई डोट वॉन्ट टू गो इन डिटेल एंड आम श्योर दट यू नो वट इज द इक्विटी और उसका क्या इफेक्ट होता है अगर अंडर पेड है अवर पेड है तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वी हैव ऑलकस ऑल दोस्ट टॉपिक्स इन डिटेल ड्यूरिंग अवर रेगुलर लेक्चर्स सो द कंपेरिजन रिजल्ट इन ए वेज और सैलरी हायर एक् ये जो जॉब वैल्यूशन करते हैं कंपेयर करते हैं आप उसमें इक्विटी मेंटेन करते हैं आप तो इस हाईक इन दम्पन्सेशन आर जिसे कहना चाहिए वेजेस या सैलरी में भी बनती है कि इस लेवल की जॉब्स को ये इतनी सैलरी मिलेगी इतने बेनिफिट्स होंगे इससे ऊपर को इतने एंड सो ऑन सो वाइल वी आर डूइंग द जॉब एवेल्यूएशन वी हैव टू टू पिक वी गो फॉर इट सो चूजिंग ए जॉब अवेल्यूशन मैथड कितने जॉब एवेल्यूशन मैथड पढ़े थे याद है कुछ फोर जर्नरल जॉब अवेल्यूशन मैथड्स कौन कौन से हैं वो रैंकिंग मैथडोर्स

Or sometimes they can have the mix, they classify, they create the hierarchy in their compensation or pay system. And here, this job evaluation is also helping them to create all those grades, the groups, a pay scale, whatever you give them the name. And then that is how you price the job. jo job evaluation to price the जॉब कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या कंपनसेशन पैकेज होगा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या कंपनसेशन मेथड होगा और उसके लिए बहुत सारी हमने चीजों को डिस्कस भी किया था तो ये बिग मॉडल देख लीजिए जरा इसको कंपेयर कर लें बहुत सारी चीजें इसमें इफेक्ट हो रही हैं देखें इट स्टार्ट विद अवेल्यूशन जॉब एनालिसिस राधा एंड आउट ऑफ द जॉब एनालिसिस आउटकम ऑफ द जॉब एनालिसिस हमने देखा था कि तीन जैसे बताया आपको है, उसमें थे हमारी रेलिवेंट पार्ट क्या है जॉब वैल्युएशन एंड दीन ऑल्सो हैव टू टू हैव द इक्विटी आउटसाइड इक्विटी विद द मार्केट यू डू द पे सर्विस और उसके बेस पे फिर पे स्ट्रक्चर बनाते हैं और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल इंडिविजुअल पे की आप डिसीजन करते हैं एंड दैट इज हाउ दिस योर कंपनसेशन सिस्टम वर्क सो वट आर द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग योर पे प्लान और पे पॉलिसीज It depends on so many different things. It depends on your paying capacity. It depends on the demand-supply relationship: who has the bargaining power, you employer or the employee. Similarly, the government policy, the other people, what they are doing, and so many other factors. The living jo cost on your pay structure. Ko determine karne ke liye. And when we are talking about the pay structure or compensation system, it can have both intrinsic and extrinsic, extrinsic part As we said, the compensation of employees have two broader divisions, the extrinsic and intrinsic rewards. In the extrinsic, we have direct monetary benefits or monetary rewards. and मॉनिटरी आर वी कॉल देम द बेनिफिट एंड इंट्रेंसिक रिवार्ड इज समथिंग डिफरेंट दैट इज इट इज इंटेंजिबल थिंग इट्स द फीलिंग इट हैज डू विदीलिंग पार्ट तो लेट स्टार्ट विदिक उसमें वेजेस हो सकते हैं सैलरीज हो सकती है बोनस हो सकते हैं कमीशन हो सकते हैं पे इंसेंटिव हो सकते हैं और बेनिफिट में क्या क्या है आगे हम बेनिफिट को दोबारा भी देख लेंगे इसमें इंश्योरेंस हो सकती है प्रिक्रेशन एक्सेट्रा What about the intrinsic reward? That has to do with the recognitions, promotion opportunities, working condition, interesting work, and so on. Because it has to do with the behavior part. So when we are dealing with the human resources, we have to see which thing is mattering most for them to decide about the compensation plan. motivations. उसमें मेजलोज की हराकी एफ नीड की थ्योरी भी पड़ी थी जिसमें हमने मुख्तफ स्टेजेस देखी थी बेसिक नीड सोशल नीड सिक्योरिटी नीड एंड देन कोर्स सोशल नीड एंड देन सेल्फ एक्चुलाइजेशन इस तरह की पांच डिफरेंट स्टेजेस को देखा था तो मकसद क्या है उस चीजों को सम, उनको रेफरेंस देने का कि डिपेंड वेट वच लेवल यू आर इफ यू आर एट द बेसिक नीड तो रोटी कपड़ा और मकान की उस वक्त एवरी इज मैटर तो उसको पैसे की जरूरत है इन चीजों के लिए उससे वो जब उसको बेसिक नीड उसकी पूरी होती है देन इट इज दिक्योरिटी नीड दे योअर सोशल नीड एंड देम नीड एंड अल्टीमेटली एक्चुअलाइजेशन नीड तो डिपेंडिंग ऑन विच लेवल ऑफ वर्क फोर्स यू यर टाकिंग यू हैव टू डिसाइड अबाउट दिस टोटल कंपनसेशन प्लान एंड ऑफकोर्स एट पॉल विद दार्केट बिकॉज दे आर ऑल्सो द फोर्स विच आर अफेक्टिंग यू किसी के लिए बेनिफिट ज्यादा मैटर करते हैं किसी के लिए बेसिक डायरेक्ट मॉनिटरी रिवार्ड ज्यादा मैटर करता है अब यह भी नहीं हो सकता कि यू कैन हैव पर्सन टू पर्सन इट वेरी इट डिपेंड अगेन ऑर्गेनाइजन टू आर्गनानेशन समय आईट हैिफरेंट पैकेज प्लान इवन फॉर द सेम सेम लेवल ऑफ वर्क फोर्स बट जनरली वो जो ग्रुप्स होते हैं वो जो स्केल्स होते हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में उस लेवल पर थोड़ा सा वेरिएशन आती है अदरवाइज जनरली दे आर ऑलमोस्ट द सेम विथ दिनियॉरिटी विद द एक्सपीरियंस ऑफकोर्स इथ द वैल्यू एडेड थिंग्स और जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटरेंसिक रिवार्ड्स दे आल्सो मैटर ए लॉट स्पेशली वेन व्यू आर टॉकिंग अबाउट द हायर लेवल्स द रिक्निशन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट द मोटिवेशन फैक्टर्स गुड इन्वायरमेंट गुड वर्किंग रिलेशनशिप दे डू मैटर टिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ दी वर्क फोर्स इन दर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द कॉम्पन्शन सिस्टम सो वट अबाउट बेनिफिट वट इज द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ बेनिफिट यह भी आपने पढ़ा है बेनिफिट्स क्योंकि देख कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अच्छी डेवलप सोसाइटीज में स्टेट टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स जो सोशल सेटअप जहां पर ज्यादा है वहां पर क्या हैल्थ केयर or retirement services is the responsibility of the state. but keeping in view the amount of financial resources required for that, it is becoming very difficult for the state to maintain and to provide all those basic necessities about health and after-retired life. so what is happening now? slowly, the benefits of the organization, they absorb, they do the social responsibility of the society. तो क्या करते हैं बेनिफिट ऑब्जर्व सोशल कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर एंड रिटायरमेंट्स। वो चीज जो सोसाइटी ने प्रोवाइड करनी है उनको जो उनकी स्टेट ने प्रोवाइड करनी है आस्ता आस्ता कीपिंग इन व्यू द एनवायरमेंट एंड द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड आर्गेनाइजेशन हैजेक द रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड दैम दो हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट एंड इट इज नाउ बिकमिंग द एंटाइटलमेंट ए काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर ईच ऑर्गेनाइजेश वो अपने एम्प्लाइज को एटलीस्ट हेल्थ केयर तो प्रोवाइड करती है

कास्ट अराउंड फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल पेरोल कास्ट तो बेनिफिट की इतनी अराउंड जितना भी टोटल कॉम्पन्सेशन है उसमें से फोर्टी परसेंट इज गोइंग टूवर्ड दिफिट कितनी किस्म के सर्विसेज या बेनिफिट की हम बात करते हैं अभी कुछ मिसालें भी देखी थी आपने जब हम कम्पन्सेशन सिस्टम को देख रहे थे लेट्स गो थ्रू दैम अगेन एंड सी वट टाइप्स ऑफ बेनिफिट एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजन कैन ऑफर टू देअर वर्क फोर्स इंश्योरेंस हो सकती है वेरी इंपॉर्टेंट नाव इज स्पेश मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं ये कंप्रीहेंसिव भी हो सकती है पार्शली part, भी हो सकती है इट वेरी फ्रॉम आग्नेशन टू आग्नेशन आर यूर पे स्केर टू स्पे स्केयर वो वी एन इंश्योरेंस है कि नहीं है डेंटल इंश्योरेंस मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस डिसबिलिटी इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस Some organization may go only for the basic medical insurance. But some also provide your life insurance activity. Now it depends again. Some organization may pay the hundred percent of your insurance premium. And in some organization, employer may, employees may have to contribute some part of their insurance too. Health may a woman. Your organization is sponsoring the maximum. But when we're talking about other insurances like लाइफ इंश्योरेंस मे बी वीएन इंश्योरेंस डेंटल डेंटस्ट जो इंश्योरेंस होती है और बाहर की कंट्री में तो इज वेरी एक्सपेंसिव तो यहां पर कंट्रीब्यूटरी फ्रॉम एम्प्लॉयज साइड भी जो वर्क फोर्स है वह भी उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं कुछ प्रीमियम उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है एंड दैट इज हाउ सिस्टम वर्क बट बेसिकली नाउ इट इज नाउ इच ऑर्गेनाइजेशन फर्दर परमानेंट इंप्लाइज फर्दर फुल टाइम एम्प्लॉयज दे प्रोवाइड

सिमिलरली टाइम ऑफ बेनिफिट्स देखा जाता है ऑन द जॉब ब्रेक्स सिक डेज पे हॉलीडेज लीव ऑफ एब्सेंस मुख्तलिफ किस्म की ये बेनिफिट की शक्ल में आता है क्या जैसे हमारे यहां ऑटेक्ट कैजुअल लीव्स है सिक लीव जिस भी उसमें शामिल होती हैं यू कैन हैव द अर्न लीव्स जो आप कुछ लीव ऐसी होती हैं कि जो कि लैब्स हो जाती हैं एक साल कंप्लीट होने के बाद कुछ लीव्स ऐसी होती हैं लाइक अर्न लीव द कैडिट और उसमें आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं

कंटिन्यू काम करने, करने से आपकी जो एनर्जीज हैं वो कम भी हो जाती हैं, आपके हेल्थ पे भी असर होता है स्ट्रेस भी आ सकती है तो नाउ आग्नेशन डू इनकरेज दियर एम्प्लाइज कि दे शुड अवेल द लीव्स, वोकेशन दे आर गुड यू नीड ब्रेक एवरीबॉडी नीड ब्रेक सो वी शुड अवेल दोज टाइप ऑफ थिंग्स बट द सिस्टम इज एक सर्टन लिमिट है वो भी इसीलिए रखा गया कि ऐसा ना हो कि लोग छुट्टियां अवेल ना करें और वो काम मशीन बन जाए एंड देन दिस विल बी प्रॉब्लम क्योंकि आपने तो प्रोडक्टिव एम्प्लाइज एम्प्लाइज चाहिए ना आपको तो कंटिन्यू अगर, अगर आप काम करते रहेंगे विदाउट एनी ब्रेक तो चांसेस आर के देन वो आस्ता आस्ता एक टाइम आएगा कि उतनी परफॉर्मेंस उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो उसके लिए आर्गेनाइजेशन आपको मुख्तु बेनिफिट की शक्ल में पेड लीव देते हैं इवन रिक्रेसन के लिए आपको जो है कुछ छुट्टियां मिलती हैं पेड होती हैं और दूसरी जो है जो संशेला लाइक कैजल लीव अर्न से लीव दे आर पार्ट ऑफ योर कंप्लीट पैकेज और शुरू से डिटर्म होती है कि आपको एक साल के अंदर कितनी छुट्टियां अवेल कर सकते हैं जो पेड होंगी अदरवाइज यू कैन गो फॉर विदाउट पेड लीव्स सिमिलरली अनदर काइंड ऑफ बेनिफिट आग्नेशन आर प्रोवाइडिंग टू देर एम्प्लाइज इज वर्क स्केडिंग बेनिफिट्स शार्टर वर्क टाइम फ्लेक्स टाइम जॉब शेयरिंग दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट याद होगा आपको मैंने डिस्कस किया था सिक्स डेज अ वीक नॉर्मल हम देखते हैं पीपल कैन हैव फाइव डेज अ वीक इवन अदर कंट्रीज दे हैव द फोर डेज अ वीक बिकॉज दे हैव टू कम्प्लीट दी वीक आवर्स फोर्टी आवर पर वीक दे हैव टू कम्प्लीट मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दैट इज योर चॉइस कि यू कम्पलीट इन थ्री डेज फोर डेज फाइव डेज और सिक्स डेज इसी तरह जॉब शेयरिंग का बड़ा अच्छा कंसेप्ट नया आ रहा है मार्केट में लोग ऑर्गेनाइजेशन दे आर अडोप्टिंग दैट के यू कैन शेयर jobs, especially if let's see if both me and baby a key profession so they can share those responsibilities Other time husband carly other time wife Similarly flex time, your choice. You can you have to complete this project, that is your choice. Okay, what time you want to complete. Organization can facilitate you there. This is itself a good incentive, good benefit, especially in this era वे पीपल आर वर्किंग आर पीपल आर डूंग मोर देन वन जॉब टू काइंड ऑफ फुलफिल देअर इकनॉमिक प्रेशर और इकोनॉमिक नीड जिसे कहना चाहिए इसी तरह आर्ग्नेशन आपको मुख्तु असिस्टेंट तो प्रोवाइड करती है सर्विसेज देती है वो आपकी एजुकेशन असिस्टेंट भी हो सकती है फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो सकती है सोशल सर्विसेज भी हो सकती है मुख्तु किस्म की रिकुलेशन सेटअप बनाए जाते हैं जिसमें आपको फेसिलिटेट किया जाता है एम्प्लाइज को उनको हेल्प की जाती है कीपिंग इन व्यू द फैमिली प्रेशर स्पेशली बिकॉज अर्लियर वी आर हैविंग द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वेरी स्ट्रांग स्टिल वी हैव लकीली बट जनरली देखा गया कि अब आस्ता आस्ता वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है उससे क्या प्रॉब्लम आने शुरू हो गए नाउ हु विल टेक केयर ऑफ द किड्स पहले तो ये होता था कि घर में कोई, कोई ना कोई है वो आपके बच्चों का ख्याल कर लेंगे आप यू कैन गो फॉर योर जॉब

दे हैव एस्टैब्लिश देर चाइल्ड केयर सेंटर इवन एट देअर वर्क प्लेस ताकि इफ द मदर्स हैविंग द किड्स दे शूडिंग दियर किड्स एंड पुटेड इन द चाइल्ड केयर सेंटर विच इज नियर द फेसिलिटी ऑफ देयर वर्क सो दैट ज्यूरिंग द ब्रेक टाइम हाफ टाइम दे केन इजिली गो एंड सी देयर किड्स एंड फील कंफर्टेबल और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट समझा जाने लगा है आजकल के दौर में इसी तरह एल्डर केयर्स पेरेंट्स अकेले हैं घर में बुजुर्ग हैं हु विल टेक केयर ऑफ दैम इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप ऑफ सेटअप दे आर प्रोवाइडिंग दे आर असिस्टिंग देयर वर्कर्स देयर एम्प्लाईज फॉर देयर एल्डर्स केयर्स थिंग्स इसके अलावा भी बहुत सारे और बेनिफिट भी हो सकते हैं उसी उस बहुत सारी चीजें दोबारा रिपीट भी होंगी एक और बड़ा अच्छा इंसेंटिव जो ऑर्गेनाइजेशन आजकल देती हैं वो आपको देती हैं कि आप उनसे उनके जो वट दे आर प्रोड्यूसिंग लाइक इफ दे आर प्रोड्यूसिंग द रेफ्रजरेटर द एयर कंडीशन आर कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपने वर्कर्स को अपने एम्प्लाईज को डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड किया जा सकता है वो चीजें इसी तरह रिलोकेशन एक्सपेंसिस उनके बर्दाश्त किए जा सकते हैं अगर एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना है एजुकेशन सिस्टम मैंने आपसे पहले कहा और फैमिली केयर बेनिफिट्स एंड सोआन तो इस तरह के और भी बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन पूलिंग आजकल बड़े शहरों में स्पेशली प्रेशर ऑफ ट्रैफिक और इसमें खासकर जो हसल होती है टेंशन होती है और कोर्स इट इज कॉस्टली टू व्हेन यू हैव टू कम्यूट लॉन्गर डिस्टेंस तो दे हैव दे आर डेवलपिंग द ट्रांसपोर्टेशन पूल दे प्रोवाइड यू द ट्रांसपोर्टेशन फेसिलिटी हाउसिंग फैसिलिटी में बी फूड सर्विस एट द वर्क स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन सेक्स एरिया जो यूनिट्स होते हैं बड़े बड़े वहां पर आर्गनेशन उनको अपने एम्प्लाइज को रीजनेबल रेट पे खाने का लंच टाइम ब्रेक वगैरह में उसको वो प्रोवाइड करते हैं इसी तरह ऑन द साइट हेल्थ सर्विस लीगल सर्विस इफ देअर इंप्लाइज नीड लीगल असिस्टेंट दे कैन प्रोवाइड देम अवार्ड क्रेडिट परचेजिंग असिस्टेंट जैसे कि लीजिंग में आपको हेल्प करती है आपकी अग्निशन गाड़ी खरीद ले कैन प्रोवाइड यू दाइनेंशियल असिस्टेंट घर खरीदना है उसमें आपके इंस्टीट्यूशन आपकी आग्नेशन आपको हेल्प करती है उसी द मोर they are putting, the more the, uh, they are uh, going for their benefits of their employees. Why? Very important reason. You remember when we started to discuss HRM and we discussed the few challenges of today's HRM and they were how to attract good people and then to develop them, motivate them and retain them with you. The retention is very important now.

ये एक चीज उनको सामने आएगी कि देखो ये घर बन रहा है ये गाड़ी ली हुई है तो ओके okay, ठीक है एंड पीपल कैन नॉस इट इज एथिकल एन एथिकल नो इट इज नॉट अनएथिकल दीज आर द बेनिफिट दीज आर इंसेंटिव दे आर क्रिएटिंग द म्यूचुअल द दिम्बिया रिलेशनशिप बेसिकली वेयर ईच पार्ट ईच पार्टी इज गेटिंग द बेनिफिट ठीक है जी आगे चलते हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पनसेशन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक वी ऑल्सो डिस्कस वेज पे फॉर परफॉर्मेंस वो क्या चीज थी कंपनेशन फिलोसफी ऑफ हायर पे फॉर हायर कंट्रीब्यूटर्स जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी अच्छी आपको बेनिफिट मिलेंगे उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी और ये परफॉर्मेंस जो है विल बी कैल्कुलेटेड ऑन कारपोरेट परफॉर्मेंस एंड पर्सनल परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स टीम इन ग्रुप के बेस पे परफॉर्मेंस देखी जाती है तो इसमें कितनी किस्म के पे फॉर परफॉर्मेंस हमने देखे थे तीन किस्म के देखे थे वन वॉज इंडिविजुअल बेस प्लान जिसमें मेरिट पे भी होती है अवार्ड होते हैं बोनस होता है और टीम बेस्ड प्लान भी होते हैं बट अनदर वन इज प्लांट वाइज प्लान जिसे हम गेन शेयरिंग कहते हैं कि एक खास प्लांट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोडक्शन दी है तो वो जितना उनको गेन हुआ उसमें से ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती है अवार्ड की शक्ल में बोनस की शक्ल में टू इसको गेन शेयरिंग भी कहते हैं एंड समटाइम द कॉरपोरेट वाइज कारपोरेट लेवल They give bonuses, usko profit-sharing we So it is, it has to do with the performance. If you do well, organization will reward you. They will give you the award, they will give you the bonus. And that is also a kind of incentive, or it's the benefit, right? Some, even some people go and they say, "Oh yeah, this year I got three bonuses, I got four bonuses. And this is a big incentive. What about money? The role of money? इसको हमने मोटिवेशन में भी डिस्कस किया और कंपनसेशन के दौरान भी ये कोटेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी वेन समॉट द मनी इट इज द प्रिंसिपल इट इज द मनी द बॉटम लाइन इज द मनी और यह भी आपको उस वक्त डिस्कस हुआ था कि मनी इटसेल्फ हैज नो वैल्यू इट इज द परचेजिंग पावर इट हैज आज सारी कंट्रीज सब मिलके पैसे की जगह इस रुपये की जगह इस डॉलर की जगह इस पाउंड की जगह कोई और चीज को एक ऐसा इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं ऐसा रेफरेंस पॉइंट के यूज करते हैं जो उसके अंदर परचेसिंग पावर हो उसकी वर्थ बन जाएगी अदरवाइज ये सारे रुपया डॉलर पाउंड यूरो वट इट शुड हैव द सेम वैल्यू बट इट वेरी तो पैसा ऑफकोर्स इट इज इंपॉर्टेंट Why it is important? Because it provides you the basic necessity. Isse say up basic necessity. Ko hasil karte but of course, it can also help you to maintain your status. Lekin, remember always that money is not the only thing. This is of course very important, one important factor. But there are some other things too. The respect, the freedom to work. Achievements, recognition. So it's a complete basket, you know. Of course, money is, has a major part in it. But we have to keep other things in our mind too when we are talking about the compensation system or the reward system. So worth Money is also playing a role as a motivator. Motivation factor up for Or sometime people compare their worth.

Employees satisfied with the rewards, the compensation or whatever they're getting, they will stay with the organization. They will perform there. They will own it. They will go for the organization citizenship. This is the concept where the worker the implies they think beyond their basic requirements. They want to deliver more than it is expected from them. Like another when they are comparing with other people, when they are comparing with the outside in the market, if they are underpaid, under rewarded, what will happen? Turnover, absentism, this will be their behavior. So, the work environment? we the turnover? What is turnover? Yes, I have explain it. Absentism, so if keeping other things constant, then this reward may be the factor which is affecting there or which is creating this behavior there but in other case if they are satisfied yes they will stay there they will perform and they will own it so that was about the third part the compensation and benefits let's move to next part health and safety you have health and safety what वी कॉल इट ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी रेफर्स टू दी फिजियोलॉजिकल फिजिकल एंड साइक्लॉजिकल कंडीशन ऑफ ए वर्क फोर्स दैट रिजल्ट फ्राम दर्क एनवायरमेंट प्रोवाइडेड बाई दर्गनाइजेशन वे टाकिंग अबाउट एज ए होल इसमें फिजिकल भी हो सकती है फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और साइक्लॉजिकल भी इनवायरमेंट हो सकती है जो आपके बिहेवियर को वर्क फोर्स को इफेक्ट करती है भी के अंदर एलिमेंट्स ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ केयर फिजिकल कंडीशन की हम बात करते हैं कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम दी वर्क फोर्स एनवायरमेंट दैट इंक्लूड ऑक्यूपेशनल डिजीजेज एंड एक्सीडेंट सच एज रिपीटेड मोशन इंजरीज आप बार बार वही काम करते हैं लर्सी को टाइप कर रहा है काफी अर्से से तो उनके ये जो ज्वाइंट है इनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या किसी की जॉब ऐसी है कि उसको मूव करना है उससे भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है किसी ने का उठाना है तो उसकी बैक पेन वगैरह में बैकबोन में पेन या इस तरह के इफेक्ट्स भी आ सकते हैं इसी तरह कोई ऐसी कंपाउंड है जिनकी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं देखन कास्ट यू दैंसर तो ये फिजिकल कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं इसी तरह एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से डिजीज की वजह से क्या हो सकता है सम कैन लूज लाइफ द बिग कास्ट आर कोई अपने जिसम का हिस्सा बाजू हाथ टांग, वट वो भी नुकसान हो सकता है बैक पेन जैसे आपने कहा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजे होते हैं स्पेशली वो जो लाइक कार्टन वगैरह और हमारे इस तरह की जो काम लोग करते हैं जो जिने वगैरह जहां होती है यहां पे इस तरह के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और वीर फॉर्म ऑफ कैंसर साइकोलॉजिकल कंडीशन कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम दी वर्क और वर्क प्लेस दैट रिजल्ट फ्रॉम आर्गनाइजेशनल स्ट्रेस एंड लो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ वी कॉल दैम साइक्लॉजिकल कंडीशन साइकोलॉजिकली भी आपको स्ट्रेस की वजह से किसी और वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं योर बास इज नॉट गुड योर कोलिग इज नॉट गुड द एन्वायरमेंट इज सो काइंड ऑफ टफ यू डोंट फील कंफर्टेबल उससे आपकी बिहेवियर पर आपकी सेहत पे भी उसका असर हो सकता है उससे डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है ड्रॉल हो सकती है मिसट्रस्ट हो सकती है और यू कैन जस्ट गेट आउट ऑफ द सिस्टम समटाइम बिकॉज यू कैनॉट टेक इट एनी मोर काजेज ऑफ एक्सीडेंट की बात करते हैं किस वजह से एक्सीडेंट होते हैं वर्क प्लेस पे इट कैन बी अनसेफ कंडीशन फिजिकल कंडीशन भी हो सकती है इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती है लाइक फिजिकल कंडीशन में से कोई इक्विपमेंट भी डिफेक्टिव है काम करते करते वो टूट गया गिर गया वट एवर इनएडुकेट मशीन कार्ड्स लैक ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एक एक फास्ट इन्वायरमेंट में काम करने के लिए देवर रिक्वायरमेंट कि ये हेलमेट पहन के जाएं, ये एयर प्लग प्लान लगा के जाएं, स्पेशल गॉगल्स लगा के जाएं, वो नहीं थी अवेलेबल तो ये फिजिकल रीजन बने खुदा न खासा अगर कोई एक्सीडेंट होता है या इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है नॉइज बहुत ज्यादा है डस्ट है फ्यूम्स है स्ट्रेस है दे कैन बी काज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट दी वर्क प्लेस एंड समाइम अनसेफ बिहेवियर यह भी एक रीजन होता है एक्सीडेंट काज करने का देखा गया कि दिस इज द ह्यूमन फैक्टर विच इज क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम द एक्सीडेंट्स इंसान की अपनी गलतियों से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं वो किस वजह से कि केयरलेसनेस है इंटॉक्सिकेशंस है डे टाइम ड्रीमिंग्स है हर वक्त खाबों में रहते हैं इन टू डू द जॉब और बहुत सारी डेफिशंसी इंसानों की परेशानियां हैं ध्यान कहीं और है काम कहीं और कर रहे हैं और बेसिकली इट इज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरलेसनेस जिसकी वजह से अमूमन देखा गया है कि एक्सीडेंट होते हैं एट वर्क प्लेस पे हाउ कैन वी रिड्यूस दी वर्क प्लेस एक्सीडेंट वट स्टेप शुड वी टेक टू रिड्यूस अवर वर्क प्लेस एक्सीडेंट एक तो जो फिजिकल कंडीशन है बड़ी बेसिक चीज है इंपॉर्टेंट चीज है उसको रिड्यूस करें फिजिकल चीजें जो लैट्सिको इक्विपमेंट में डिफेक्ट है एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जाए ताकि जो कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट में उसको ठीक किया जाए इसी तरह अनसेट जो हैं एहतियाती तदबीर तो जो आप नहीं फॉलो करते उनको ठीक किया जाए तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट कम हो सकते हैं यूज पोस्टर एन प्रोपोगेंडा स्लोगन्स टाइप ऑफ थिंग्स बड़ा बड़ा लिखा होता है जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि आप बाइक चलाते हो अपने ट्रैफिक पुलिस वालों ने बार, बड़ा बडा लिखा होता है कि हेलमेट पहन के बाइक चलाई जाए मोटरसाइकिल चलाए जाए तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स इवन एट द वर्क प्लेस कि जी ग्लासेस यूज करके प्रोटेक्टेड ग्लासेस यूज करके काम करें अगर इट रिक्वायरमेंट अगर तो हेलमेट की जरूरत है तो आप देखते हैं कई इदारों में लोग हेलमेट पहन के जाते हैं क्योंकि दैट इज नसेसरी एंड इफ यूट इज नाइजी प्लेस यू कैन यूज अयर फ्लैग टू सेव योर उसके लिए बाकायदा बड़े बड़े हर जगह पे प्रोमिनेंट जगहों पे स्लोगन लिखे होते हैं उसको पोस्टर की शक्ल में लगाया होता है ताकि लोगों को याद दहानी के लिए अगेन इट इज ए री री टाइप ऑफ थिंग कि वो सेफ प्रिकॉशन जो है सेफ्टी प्रिकॉशन उनको फॉलो करें टू सेव दम सेल्फ दी एक्सीडेंट देशो जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग टू रिड्यूस एक्सीडेंट दैट इज हाउ वी कैन

Safety procedures. Set specific loss controls. Let's see. has way accident. So now you have a target. Set the goal. How can we reduce these things? Specific. And when you have the goals, of course, then you can have different strategies to achieve that goal. Conduct safety and health inspections regularly. This is also very important. Especially in those agnostics or those वर्क प्लेसेज वेयर दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज डिफरेंट केमिकल्स दे आर यूजिंग तो अमूमन देखा गया कि रेगुलर चेक होता है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही क्योंकि मेजर काजेज ऑफ एक्सीडेंट इन दो प्लेसेस आर ड्यू टू सम लीकेज लीकेज की वजह से वहां पे एक्सप्लोज़न हो जाता है कुछ नुकसान हो जाता है उसकी रेगुलर चेक किया जाए फिर वो जो प्रिकॉशन है क्या उनको फॉलो किया जा रहा है उसको रेगुलरली उसकी इवेल्यूशन होनी चाहिए उसकी चेकिंग होनी चाहिए देखे ना कि एक जिंदगी का नुकसान इट्स ए बिग लॉस नॉट फॉर ओनली फॉर दैट फैमिली बट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज ए सोसाइटी टू तो उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशन जो हैं ये बहुत जरूरी हैं कि इसको रेगुलरली आप मेंटेन करें और मॉनिटर करें ठीक है जी तो कंडक्ट सेफ्टी एंड हेल्थ इंस्पेक्शन रेगुलरली टू रिड्यूस दो एक्सीडेंट्स मॉनिटर वर्क ओवरलोड एंड स्ट्रेस सी इफ साम इज वर्किंग मोर देन He or she has the capabilities. they can see the stress. Next, we will the stress ko bhi thoda se jaldi se review So, stress. reduce the accident. Ko reduce the events of accidents. Ko review, reduce kar sakte. And, of course, a permanent safety committee should be in each organization who always look around, do the survey, see what other people are doing to minimizing. दोज इवेंट ऑफ दशन देंट इन दियर आगनेशन ताकि उसको अपडेट होता रहे आपके सेफ्टी प्रोसीजर भी अपडेट होते रहे प्रिकॉशंस भी अपडेट होते रहे और उससे कम से कम नुकसान होने का चांस होता है सिमिलरली हेल्थ एंड सेफ्टी के दौरान ही हमने वायलेंस का भी जिक्र किया था स्पेशली अंडर स्ट्रेस दिस इज वेरी डेंजरस पार्ट कोई घर में झगड़ के आया है किसी को कोई नुकसान हो गया है सम बॉडी दे हैव द एप्टीच्यूट लाइक दिस दे बिहेवियर इज लाइक दैट वायलेंस को रोकना बहुत जरूरी है आप अखबारों में पढ़ते होंगे लकीली हमारे यहां ऐसे इवेंट कम होते हैं बाहर की दुनिया में देखते हैं कि एक वर्कर ने उठा के अपने दस साथियों को मार दिया जस् अपसेट विकास उसको छुट्टी नहीं मिली वॉज अपसेट विकास उसका कुछ काम फंसा हुआ था वो नहीं हो सका तो इसके लिए भी बाकायदा प्रिवेंशन के लिए मुखलिफ प्लान बनाने चाहिए पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और लोगों को स्पेशली यू हैव टू ट्रीट विद पीपल पीपल रिस्पेक्ट, जैसे मैंने अभी कहा था कि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, बट पीपल वर्क विद रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम टू वर्क टू सो इफ यू कैन इफ यू आर गुड मैनेजर यू हैव द एबिलिटी टू ट्रीट पीपल विद वेरी रिस्पेक्टफुल बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग अभी आपकी एफर्ट से आपकी मेहनत से आपकी अल्लाह तला ने आपको मदद की आप باس بن گئے

कैन से डिफरेंट थिंग्स और अगर आप अपने सर्डिनेट के साथ प्रॉपर ट्रीट नहीं करते मिसबिहेव करते हैं तो समाइम दे कैन बी रिएक्शन और उससे वायलस क्रिएट हो सकता है तो उसी वी हैव टू ट्रीट दैम विद रिस्पेक्ट और डिग्निटी और यह अमूमन देखा गया है जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी छुट्टी नहीं मिली तो उसने अपने चंद साथियों को मार दिया अमूमन खबरें आप पढ़ते हैं बाहर की दुनिया की तो क्या होता है क्यों होता है ऐसे इफ डिसिप्लिन इज टू हार्श आप एक्शन जो लेते हैं डिसिप्लिन एक्शन लेते हैं वो बड़ी हार्शली लेते हैं विदाउट टेकिंग कंसल्ट्रेशन ड्यू कंसेशन की वजह क्या थी क्यों ऐसे हुआ एक तो वो डिसिप्लिन जो एक्शन लेना है वो हार्शली दैट कैन बी काज ऑफ दिस वायलेंस एट द वर्क प्लेस और स्पेशली अगर इफ यू आर लेइंग पीपल आउट विदाउट एनी रीजन किसी को नौकरी से बगैर वजह के निकालते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है जो उसका वायलेंट वायलेंस क्रिएट कर सकता है एट वर्क प्लेस पे व्हाट अबाउट स्ट्रेस हमने इस पर भी एक लेक्चर डिस्कस uh, किया था एक लेक्चर में पूरे अबाउट स्ट्रेस यू नो व्हाट इज स्ट्रेस राइट इट इज अडेप्टिव रिस्पॉन्स किस वजह से होता है किसी भी सिचुएशन किसी भी एक्शन के रिस्पॉन्स में जो आपका एडेप्टिव रिस्पांस होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं और स्ट्रेस को हमने टेंशन स्ट्रेस इन चीजों को हम मिक्सअप करते हैं स्ट्रेस का एक मॉडल देखते हैं जो आग्नेशन वर्क प्लेस पे होता है पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस और उसकी कॉन्सिक्वेंसिस देखते हैं देर आर एन्वायरमेंटल फैक्टर्स देर आर आर्ग्नेशनल फैक्टर्स एंड देर आर इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड सिमिलरली डिपेंडिंग इसमें एक चीज मैंने आपसे याद हुआ गई थी इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ईच पर्सन हैज डिफरेंट थ्रेश लेवल एंड यू नो व्हाट इज थ्रेश लेवल लिमिट जो उसकी होती है कुछ लोग हैं छोटी छोटी बात पे एकदम परेशान हो जाते हैं बट प्रेशर हाई हो जाता है अंडर स्ट्रेस हो जाते हैं सम पीपल ये आर वेरी कॉम दे टेक थिंग्स अकॉर्डिंग टू देअर प्रोस्पेक्ट अफकोर्स दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एक लेवल पर आके उनको भी टेंशन हो सकती है स्ट्रेस हो सकती है लेकिन इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वो इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑर्गनाइजन फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे आर द काजेस ऑफ द स्ट्रेस मैं आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल जस्ट टू रिव्यू इट सो दैट यू शुड रिकॉल क्या हमने इन चीजों पर डिस्कस किया था और इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या होते हैं जैसे यहां बताया गया कि यू कैन हैव साइकोलॉजिकल सिम्टम्स यू कैन हैव द फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स एंड यू कैन हैव द बिहेवियर सिम्टम्स शॉर्ट टर्म भी होते हैं लॉन्ग टर्म भी होते हैं और अगर कंटिन्यू स्ट्रेस थैशोड लेवल से ज्यादा चलती रहे लॉन्गर रास्ते तक हो इट कैन क्रिएट द क्रॉनिक इफेक्ट दैट इज नोन एज बर्नआउट एंड इट इज वेरी डेंजरस बट अगेन स्ट्रेस गुड और बैड अमूमन हमने सुना जहन में भी यही होता था कि स्ट्रेस इज ए बैड थिंग बट नो इन वेट इज अ गुड थिंग टू अनलेस यू हैव स्ट्रेस यू विल नॉट वर्क स्ट्रेस शुरू में अच्छी है जितनी स्ट्रेस होती जाएगी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी एक ग्राफ आपको शेयर किया था आपके साथ इफ यू रिमेंबर स्ट्रेस और परफॉर्मेंस की रिलेशनशिप देखी थी तो देखें जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है टिल द टाइम इट इज रीचिंग दर थ्रेश लेवल और जब उस थ्रेश होर्ड लेवल से बढ़ जाती है स्ट्रेस तो फिर आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू होती है फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो सकता है ये yes, स्ट्रेस इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव टू जीरो स्ट्रेस नो टेंशन नो काइंड ऑफ चैलेंज योर परफॉर्मेंस विल बी लेस बस एज द स्ट्रेस इंक्रीज आपकी परफॉर्मेंस ही बढ़ती है आप खुद ही देख लें आप सारा सेमेस्टर पढ़ते हैं शुरू में इतनी शायद स्ट्रेस नहीं लेते तो इतने रिजल्ट अच्छे नहीं आते इतनी एफर्ट नहीं करते जैसे जैसे नजदीक होते हैं एग्जाम आप पे स्ट्रेस बढ़ना शुरू होती है और आपकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह बढ़ना शुरू हो जाती है सम टाइम यू जस्ट रियलाइज के अगर मैं चार दिन में आखिरी रात में पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स ले सकता हूं तो पूरा सेमेस्टर पढ़ता तो क्या होता वजह यह होती है कि शुरू में आप उसको सीरियस नहीं लेते वो स्ट्रेस नहीं लेते उसकी टेंशन नहीं लेते इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस भी उस वक्त नहीं होती बट रामनाथ सिंह के ऑलवेज टेक इट इज स्ट्रेस जब तक प्रेशर फील नहीं करेंगे यू आर नाट नॉट गोइंग टू डिलीवर सो देट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन टू थिंग्स वो चीजें जिनसे काज होती है स्ट्रेस उसको रोक लें दैट इज द प्रिवेंशन ना इफ सम बॉडी इज हैविंग द स्ट्रेस ना हाउ केन यू मैनेज इट दैट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग हिस्सा होना चाहिए हाउ केन वी मैनेज इट और फिर अग्नाशन उसके लिए वेलनेस प्रोग्राम भी बनाते हैं रिमेंबर इंडिविजुअल्स दे हैव टू मैनेज देयर स्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स नेशनल लेवल दे आर ऑल्सो हेल्पिंग देम टू मैनेज देयर स्ट्रेस इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं वी हैव टू लर्न टू मैनेज अवर टाइम मेनली देखा गया है कि स्ट्रेस जो है टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली ना होने की वजह से होती है यू कैन आपको अंदाजा नहीं है कि पढ़ाई के लिए कितना टाइम रखना है रिक्रेशन के लिए कितना रखना है घूमने फिरने के लिए कितना रखना है बाकी सोने आराम करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए इफ यू कैन बैलेंस तो चांस आके आपके पास स्ट्रेस कम होगी या उस लेवल पे होगी जहां पे इसका फायदा है परफॉर्मेंस अच्छी देता है लेकिन थ्रेड लेवल से नहीं बढ़नी चाहिए वरना उसके नुकसान हो जाते हैं फिर कभी कभी आपको इवन डॉक्टर के पास कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है एंड सो ऑन सो इसको कैसे कोप करना है दैट यू हैव टू लर्न इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सरसाइज करें रिलैक्स हो टाइम मैनेजमेंट करें और समाइम यू हैव टू से नो टू अदर कमिटमेंट क्योंकि एनएफ इज एन एफ सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए आपको वेलनेस प्रोग्राम बनाती है डिकोरेशन बनाती है आपके लिए वो देखती है कि इश्यू क्या है अगर तो वर्क इट इज दी वर्क इट सेल्फ वर्क को रीडिजाइन किया जाता है इफ इट इज दी एनवायरमेंट दे इम्प्रूव द एनवायरमेंट इफ इट इज समथिंग बादरिंग यू उसको ठीक किया जाता है तो दैट इज हाउ दे ट्राई टू मैनेज दी स्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस होने से पहले ही उसकी जो काजेज हैं उसको कंट्रोल कर सकें And relaxation very important. Everybody has to relax. Just say, yes, we have to avail the leave. We have to, we need the break. So, we can relax. You can have, you can regroup the energy and then again start working with the full thrust. So, that was the fourth part. What about the last one? The labor relationship, implies labor relationship, employer labor relationship. इट स्टार्ट विद कम्युनिकेशन इन दर्गनाइजेशन इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन विद इन एम्प्लाइज और एम्प्लायर तो रिलेशनशिप खुद बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और कम्युनिकेशन के बारे में हमने पूरा एक चैप्टर डिस्कस किया था उसकी इम्पोर्टेंस उसकी मॉडल तो हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लाइज विद द हैंड बुक द फर्स्ट थिंग दे विल गिव दम द एम्प्लाइज हैंड बुक जिसके अंदर सारी चीजें बड़ी क्लियर बताई गई होती हैं तो आपस में एक ट्रस्ट डिवेलप हो जाता है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन इज स्टार्टिंग प्वाइंट विद द रिलेशनशिप उसके अलावा यूनियंस का कॉन्सेप्ट लेबर यूनियन को हमने और इसके बारे में हमने डिस्कस किया हमने फंक्शन देखे कि यूनियन के फंक्शन क्या होते हैं एंड वट इज यूनियन बेसिकली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्क फोर्स इन दर्गेनाइजेशन दार्गेन फॉर इम्प्रूविंग वेजेस वर्किंग आवर्स वर्किंग कंडीशन बेनिफिट्स ऑफ दी वर्कफोर्स और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए द प्रोटेक्ट मेंबर्स फॉर आर्बिट्ररी मैनेजमेंट एक्शन को जो बगैर काज और जस्ट रीजन के बगैर जो एसिन होते हैं उसमें भी अपने वर्कफोर्स को अपनी टीम को अपने मेंबर्स को वो प्रोटेक्ट करती है यूनियन द प्रोवाइड सर्विसेज एंड असिस्टेंट टू मेंबर्स एंड दे प्रजेंट दोशल एस्पिरेशन एंड पोलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द मेम्बर्स टू द पब्लिक वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं और इस तरह वो अपनी सोसाइटी में अपना एक मकाम बनाने की कोशिश करते हैं पोलिटिकल इन्फ्लुंस बनाने की कोशिश करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है दे केन गो फॉर दायर वेजिस दे केन गेट द हायर बेनिफिट्स दे केन इन्फ्लुएंस द वर्क रूल्स हो सकता है अगर वही यूनियन होती क्योंकि देखें इसती बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है आपको याद होगा कि हमने देखा था कि वाई पीपल ज्वाइन यूनियन उसमें यह भी था कि दे आर स्केयर के अगर, अगर इंडिविजुअली आप डील करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो शायद उनके साथ नुकसान भी हो जाए तो वो कलेक्टिव एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है उसके लिए द दे यूनियंस ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी क्योंकि जब यूनियन होती है तो फिर किसी को आप बगैर रीजन के इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते डीलिंग विद द मैनेजमेंट और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जिसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं दैट इज ने निगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दर्क वर्कफ़ोर्स, वी कॉल द यूनियन फॉर दियर वेजेज फॉर दियर वर्किंग आवर्स फॉर देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑन। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग अगेन द सेम थिंग विच आई डिस्क्राइब किस तरह अग्रीमेंट बनाना एक्सेप्टेबल जो दो पार्टीज को हो अबाउट फिट अबाउट बोनसेज अबाउट इंसेंटिव वट एवर और कॉमन इश्यूज में क्या होते हैं जैसे मैंने आपसे बताया कि वेजेजेज आवर्स टर्म्स एंड कंडीशन एम ऑफ एम्प्लायमेंट और ग्रेवेज प्रोसेस अगर किसी को कम्प्लेन है तो वो कैसे की जाए तो रिलेशनशिप में दिस लास्ट वन द ग्रेविसेज और जिसे कंप्लेन प्रोसेस भी कहते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट इज वेरी क्लियर इट कैन क्रिएट ए गुड हार्मेनिक एनवायरमेंट इन दर्गनाइजेशन और उसमें आपको क्या बताया था इसके स्टेप्स क्या होते हैं इट स्टार्ट विद द लोअर स्टेज और स्लोली फिर आगे जाते हैं ठीक है ना सुपरवाइजर तक मैनेजर तक और इवन समाइम इट हैज टू गो टू आर्बिट्रेशन से लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इट शुड बी सेटल एट द लोअर लेवल एंड दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन द टीच दे ट्रेन देयर सुपरवाइजर आदर मैनेजर कि दे शुड हैंडल दिस कंप्लेन प्रोसेस एट द इनिशियल स्टेजेस सो रिमेंबर दैट

अगर इफ यूर मैनेजर इफ आई एम मैनेजर वट आई ट्राई आई ट्राई टू सेटल इट इन माय ओन इन हाउस रादर देन गोइंग आउटसाइड बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट बैड नेम फॉर यू टू रेपूटेशन गलत होती है बुरा असर पड़ता है तो इसको शुरू में सेटल कर लेना चाहिए दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस वॉज अबाउट रिलेशनशिप इम्प्लायर्स लेबर रिलेशनशिप के आपस में कैसे बनती है द मोर ओपन दे आर द मोर दे आर कम्युनिकेटिंग विदर द बेटर इट इज इफ इट इज एंड इट इज मोर ट्रस्ट वर्द आपस में ट्रस्ट डेवलप होता है और ज्यादा ही अच्छा है एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करने का जिसे हम पार्टिसिपेटिव इन्वायरमेंट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट आई थिंक एंड वी हैव टू स्टॉप इट हियर सो व्हाट डिड वी कवर टूडे द थर्ड पार्ट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ human resource management functions that was compensation and benefits and then health and safety or safety and health the written and implies labors or employer relations labor relationship so that's it see the whole setup so what we tried in last three lectures lecture number 41 42 and today 43 i try to give you an overview of the whole hrm

लेक्चर 41 से 43 के दौरान इसको रिव्यू किया है इससे आपको फायदा भी होगा और वो जो थोड़े से आप डरे हुए थे कितना क्या एच एम का, का पार्ट है उससे भी आप निकल आएंगे और यू विल जस्ट फोकस नाउ टुवर्ड योर मेन ऑब्जेक्ट वट अबाउट नेक्स्ट सो वी शुड बी डन नहीं अभी एक दो छोटी छोटी चीजें रहती हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली वर्ड एन वी टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन अ वर्ड इज बिकमिंग ग्लोबल विलेज तो उस हवाले से मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबल बिजनेस उसमें क्या आती हैं चीजें वो कैसे करना है उसको डिस्कस करेंगे इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में एंड देन लेक्चर नंबर 45 फाइव विल भी अवर लास्ट लेक्चर इसके साथ ही हम होपफुली विल शुड बी एबल टू क्लोज इट डाउन इन अ वे दैट वी शुड बी फीलिंग प्राउड कि हमने कुछ लर्निंग की है सो दैट इज फॉर टू डे अबाउट नेक्स्ट सो अगेन यू हैव टू वर्क हार्ड